डिजीज ऑफ चेस्ट में हमारा सबसे पहला है प्ल्यूरिसी। प्ल्यूरिसी क्या होता है इनफ्लामेशन ऑफ द इज़ एज प्ल्यूरिसी। इट इज ऑल्सो कोल्ड प्ल्यूराइटिस भी बोल सकते हैं तो प्लूरा के इन्फ्लामेशन प्ल्यूरिसी। द इन्फ्लेम्ड प्ल्यूलर लेयर रब अगेंस्ट ईच अदर एवरी टाइम एन द लंग्स एक्सपेंड टू ब्रीद जैसे ही पेशेंट ब्रीदिंग करेगा जब ब्रीद करता है तो क्या होगा लंग एक्सपेंड होते हैं उसके लंग एक्सपेंड होंगे तो जो दोनों है वो आपस में क्या होंगी रब होंगी जिसकी वजह से इट कॉजेज शार्प पेन विच इज कॉल्ड प्लूराइटिक चेस्ट पेन उसको आप बोलते हैं इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लूरिसी वट आर द कॉजिज वायरल इन्फेक्शन निमोनिया ट्यूबर क्लोसिस और चेस्ट इंजरीज हैं फंगल या पैरासिटिक इन्फेक्शन है या लंग कैंसर भी इसका एक कारण हो सकता है वट आर द साइन एंड सिम्टम सडन शार्प या डल पेन होगा चेस्ट में ड्यूरिंग ब्रीदिंग कफिंग स्नीजिंग या फिर लाफिंग इन जब ये हंसेगा पेशेंट स्नीज करेगा कफिंग करेगा या ब्रीदिंग भी कर रहा है तब पेन होता है उसको क्योंकि तभी वो प्लूरल जो मेम्ब्रेन है वो आपस में रब होती है इन्फ्लामेशन की वजह से समटाइम द पेन मे बी रेफर टू द शोल्डर और द बैक ड्राई कफ होगी पेशेंट को रैपिड और शैलो ब्रीदिंग होगी शैलो ब्रीदिंग जैसे होता है ना कि शैलो ब्रीदिंग करेगा और रैपिड करेगा जल्दी जल्दी सांस लेता है लेकिन छोटे छोटे ऐसे शैलो ब्रीदिंग होगी रैपिड पल्स होगी सोर थ्रोट होगा डायग्नोसिस में डायग्नोज कैसे करेंगे इसको तो आप ऑन एग्जामिनेशन देखेंगे जब आप एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट की तो फ्रिक्शन रब आपको सुनाई देगी इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं सीबीसी एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एग्जामिनेशन सीटी स्कैन एमआरआई या प्लूरल बायोप्सी ट्रीटमेंट इसका क्या है ट्रीट द अंडरलाइन कॉज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है जैसे फीवर अगर आ रहा है तो पीसीएम दे दिया पेन हो रहा है तो एनस हो गया बाकी थोरेकोसेंटिस आप इसमें कर सकते हैं तो ये हमारा टॉपिक है प्लूरिसी स इन द बैलेंस ऑफ स्क्रीशन एंड एबजॉर्ब मे रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लू इन द प्लूरल कैविटी विच इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन आपको पता होगा या कई बार आपने मतलब कई चीजों में देखते भी है ना जैसे सी एस एफ है हमारे ब्रेन में तो उसकी क्या होती है नॉर्मली प्रोडक्शन भी होती रहती है एब्जॉर्ब भी होता रहता है लेकिन अगर प्रोडक्शन होती रहे एब्जॉर्ब ढंग से ना हो तब क्या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है हमारा तो उसी तरीके से है प्लूरल इफ्यूजन में कि जो फ्लूड हमारी जो प्लूरल कैविटी है उसमें जो बन रहा है यानी जो स्क्रीशन है और जो उसकी एब्जॉर्प्शन है अगर इन दोनों में डिस्टर्बेंस हो जाए यानी स्क्रीशन बढ़ जाए एब्जॉर्प्शन कम हो जाए या फिर शन तो ठीक है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो क्या क्या होगा हमारा डिस्टरबेंस हो जाएगी इस बैलेंस में तो उसकी वजह से जब वहां पे फ्लूड एक्यूमुलेट हो गया दैट इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन टाइप्स की अगर आप बात करें जो फ्लूड है उसके बेसिस पे ये दो तरीके का एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव अगर सीरियस फ्लूड है जो सीरियस फ्लूड है वो कलेक्ट हुआ है तब आप उसको हाइड्रोथोरेक्स बोलते हो अगर ब्लड कलेक्ट हुआ है देन हीमोथोरैक्स पस फिल्ड है तब पायोथोरैक्स आप बोलते हो जेस की बात करें तो सी एच एफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसका एक कॉज हो सकता है निमोनिया होना ट्यूबर क्लोसिस नियोप्लाज्म है क्लिनिकल फीचर में हमारा क्या होगा पेशेंट को डिस्निया होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद होगा चेस्ट पेन होगा पेशेंट को फीवर होना कफ होना ऑन परकशन अगर आप देखोगे तो स्टोनी डलनेस मिलेगी एंड ब्रीदिंग साउंड आर एबसेंट फ्लूड एकट है ना तो फ्लूड की वजह से ब्रीदिंग साउंड जब आप ऑस्कल्टेट करोगे पेशेंट को तो, तो सुनाई नहीं देती है डायग्नोज में क्या करेंगे आप एक्सरे कराएंगे चेस्ट एक्सरे सिटी स्कैन बायोप्सी या प्लूरल एस्पिरेशन करके उस फ्लूड की एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट में क्या है ट्रीट द कॉज जिस भी कॉज की वजह से हो रहा है जैसे होबरिक की वजह से अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो टीबी का ट्रीटमेंट आप चलाना है आपने बाकी थोरेकोसेंटिस तो करनी है जो हुआ उसको तो बाहर निकालना ही है तो थोरेकोसेंटिस एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज टीबी है तो टीबी का ट्रीटमेंट करेंगे वायरल इन्फेक्शन की वजह से तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा और लो फैट डाइट देनी है पेशेंट को तो इट इज ऑल अबाउट आवर प्लूरल इफ्यूजन चेस्ट इंजरी चेस्ट इंजरी एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल इंजरी टू देस्ट इंक्लूडिंग लंग्स चेस्ट इंजरी किसको बोलोगे आप हमारी रिप्स है जो बाहर की तरफ से रिप्स आती है पहले फिर अंदर क्या है हार्ट है और लंग है तो इस एरिया में अगर कोई भी इंजरी हो जाए फिजिकल इंजरी दैट इज कॉल्ड चेस्ट इंजरी तो इसके कॉजेस क्या है ब्लंट इंजरी होगी जैसे मोटर व्हीकल कॉल्यूजन की वजह से पेनीट्रेटिंग इंजरी जैसे स्टैबिंग की वजह से या कंप्रेशन की वजह से जो इंजरी हो रही है तो ये कुछ कॉजेज हो सकते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अर्थक्वेक आ गया उसकी वजह से हो सकती है ना क्लासिफिकेशन क्या है इन इंजरीज की चेस्ट इंजरीज की तो इंजरी टू द चेस्ट वॉल सिर्फ चेस्ट की वॉल पे इंजरी है तो मतलब रिब्स का फ्रैक्चर होना स्टर्नम का फ्रैक्चर होना या चेस्ट वॉल पे कॉन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगी ये क्या है जब सिर्फ चेस्ट वॉल इंजर्ड हुई है सॉरी <coughs> देन आता है पल्मोनरी इंजरी पल्मोनरी इंजरी में कि पल्मोनरी कॉन्ट्रूजन है यानी सिर्फ हमारे लंग्स इन्वॉल्व हुए हैं लेसिरेशन होंगी हीमोथोरेक्स हो गया निमोथोरेक्स हो गया तो ये हमारे सिर्फ लंग को इन्वॉल्व कर रही है देन इंजरी टू द एयर वे यानी ब्रोंकियल टियर हो गया ट्रेकिया है और ब्रोंकस है उनमें टीयर हो गया दैट इज इंजरी टू द एयर वे देन आता है कार्डियक इंजरी मतलब सिर्फ हार्ट पे इंजरी हुई है तो वो डिपेंड करता है ना किस तरीके की इंजरी है पेनिट्रेटिंग इंजरी है किसी किसी पर्सन ने ने सामने वाले कोई कोई चीज आपकी बॉडी में ऐसे पेनिट्रेट की बिल्कुल शार्प था ऑब्जेक्ट तो सीधे हार्ट पे भी तो लग सकता है तो हीमोपेरिकार्डियम या पे, पेरिकार्डियल टेम्पोनेड हो सकता है अगर ब्लड वेसल की इंजरी देखें इस एरिया में तो आयोरटिक रप्चर हो सकता है या थोरेसिका इंजर्ड हो सकती है इसोफेजियल इंजरी है, या फिर डायफ्राम की इंजरी हो सकती है तो ये क्लासिफिकेशन है इंजरी की फर्स्ट इज इंजरी टू द चेस्ट वॉल पल्मोनरी इंजरी इंजरी टू द दर वे होना ब्लड वेसल इंजरी इंजरी एंड द डायफ्रामेटिक इंजरी सिम्टम में क्या आएंगे इंजर्ड एरिया इज टेंडर जहां पे भी इंजरी हुई वहां पे टेंडरनेस होगी पेन पेन होगा मतलब वहां पे चेस्ट वॉल में भी ब्रूस्ड ब्रूशिज देखने को मिलेंगे चेस्ट पे शॉर्ट ब्रीथ हो जाएगी रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है पेशेंट शॉक में जा सकता है कंफ्यूज होगा स्किन अगर आप देखोगे ऐसे पेशेंट की तो कोल्ड होगी और स्वेटी स्किन होगी बीपी लो हो जाएगा पेशेंट का नीमोथोरैक्स या अनकॉन्शियस स्टेज में भी होगा पेशेंट डायग्नोस कैसे करोगे आप पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे पेशेंट की प्रॉपरली और बाकी आरटीएल ब्लड गैस एग्जामिनेशन कराना चेस्ट एक्सरे सी स्कैन ईसीजी या एनजियोग्राफी करा सकते हैं ट्रीटमेंट में क्या करेंगे आपने उसको ब्रीदिंग सपोर्ट देना यानी ऑक्सीजन थेरेपी दे दी सर्कुलेशन को सपोर्ट देना तो दे है तो आईवी दिए ब्लड ज्यादा लॉस हो गया एनिमिक हो गया पेशेंट तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे एनलजेसिक्स दोगे एंटीबायोटिक्स दोगे थोरेकोस्टोमी आप करोगे और बाकी जो भी एरिया इंजर्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द इंजरी ट्रीटमेंट होता है उसका बाकी ये फर्स्ट एड है आप उसको सपोर्ट दोगे सर्कुलेटरी सपोर्ट दोगे ब्लड ट्रांसफ्यूज एनलोस्टॉमी आप करते हैं उसमें ट्यूमर ऑफ लंग या कार्सिनोम ऑफ लंग ट्यूमर ऑफ द ब्रोंकाई और लंग आर एक्सट्रीमली रेयर जो हमारे लंग्स हैं या ब्रोंकाई है उनके बिनाइंड ट्यूमर होना बहुत कम है इट मींस 98% 98% जो हमारे लंग्स लंग्स में में जितने भी होते होते हैं, उन में 98 malignant होते हैं. उनमें से ही कहीं भी ट्यूमर हुआ इज प्राइमरी ट्यूमर सेकेंडरी ट्यूमर क्या है ट्यूमर इट मेटेस्टाइज फ्रॉम द लिम्फेटिक्स एंड ब्लड फ्रॉम द किडनी ब्रेस्ट थ्रोट प्रोस्टेट यूट्रस इजेड सेकेंडरी मीन वो जो लंग का ट्यूमर है वो प्राइमरी नहीं है इट इज सेकेंडरी टू सम अदर फोकस ना कहीं और ट्यूमर था वो मेटास्टाइज करके लंग्स तक पहुंचा वो हमारा काउंट होता है सेकेंडरी ट्यूमर में कॉजेस क्या है ट्यूमर ऑफ लंग होने के स्मोकिंग जो ज्यादा करता है क्रॉनिक एक्सपोजर टू वेरियस सब्सटेंस लाइक आर्सेनिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं या स्मोक या स्मोक की वजह से हो सकता है जिनको ज्यादा एक्सपोजर हो इन का। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं उसमें चेस्ट पेन होगा पेशेंट को एनोरेक्शिया होना डिस जिसनिया होगा फीवर होना कफ हिमोटिस होगी लॉस ऑफ वेट क्लबिंग देखने को मिलेगी ठीक है क्लबिंग में क्या होता है जो हमारे ये नेल्स होते है ना नेल जैसे आप अब आप देखो आपके जो दोनों थम है दोनों हाथों के उनको अगर आप, रीजन से आप एक दोनों को मिलाते हो तो दोनों के बीच में एक स्पेस बनता है ना डायमंड शेप की एक वो है ये बनता है नॉर्मली लेकिन कई पेशेंट के आपने देखे होंगे नाखून बिल्कुल उभरे हुए होते हैं ना जैसे बिल्कुल ऊपर की तरफ उसको आप बोलते हो क्लबिंग तो ट्यूमर ऑफ लंग के पेशेंट में क्लबिंग देखने को मिलेगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में क्लबिंग और भी कंडीशन में देखने को मिलती है बट ट्यूमर ऑफ लंग इज ऑल्सो इंक्लूड क्लबिंग देन आता है प्रेशर ऑन इसोफेगस ये जो ट्यूमर अब लंग में बन रहा है वो मास बढ़ता रहेगा तो इसोफेगस पे प्रेशर डाल सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्पेजिया होगा प्रेशर ऑन ट्रेक किया या प्रेशर ऑन रिंग होगा तो हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस भी देखने को मिलेगी देन वी कम टू द इन्वेस्टिगेशन तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे ब्रोंकिस्कोपी सी कराएंगे सी स्कैन या एफ एन एस सी कराएंगे देन ट्रीटमेंट रेडिएशन थेरेपी कीमोथेरेपी एंड सर्जरी सर्जरी में लंग उस पार्ट का रिसेक्शन करना ब्रोंकिटोमी करना या फिर जो है वो लंग्स ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं हम तो इट इज ऑल अबाउट द कार्सिनोमा ऑफ लंग फर्स्ट आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है कि बिनाइन ट्यूमर रेयर होते हैं ब्रोंकाई या लंग्स के 98 एट परसेंट मेलिग्नेंट होंगे और दे मे भी प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी मीन्स कि जो लंग में ही कहीं भी लोकेटेड हो ट्यूमर वो प्राइमरी है सेकेंडरी जब वो मेटास्टाइज होके आया थ्रो लिम्फेटिक्स और ब्लड फ्रॉम किडनी ब्रेस्ट थायराइड यूट्रस कहीं से भी कॉजेस लिखने या फिर उसके देन क्लिनिकल फीचर इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे एंड देन ट्रीटमेंट